हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्किन टैन रिमूवल के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाई हैं जो आप सब ने बहुत पसंद किया है एंड ये वीडियो स्किन टैन के ऊपर तो है ही बट इन एडिशन जो लोग स्किन वाइटनिंग चाहते हैं या स्किन को स्किन कलर को लाइटन करना चाहते हैं या फिर स्किन पिगमेंटेशंस को फेड करना चाहते हैं उनके लिए है बट वेरी इंपॉर्टेंट टू से हियर आई डू नॉट बिलीव और प्रोमोट द आइडिया दैट लाइटर स्किन इज बेटर नो बट फिर भी ये वीडियो बनाना जरूरी था कुछ चीजें आपको समझाना था सो लेट्स डाइव इन स्किन वाइटनिंग के लिए ग्लूटेथाइन के बारे में आपने सुना ही होगा मैंने भी पर्सनली यूज किया है ग्लूटाथायन जिसका रिजल्ट मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी बट ग्लूटेथाइन को लेके एक तरफ बहुत क्रेज है आजकल बहुत सारे क्लेम्स है ग्लूटाथायन को लेके कि ग्लूटाथायन स्किन पिगमेंटेशंस को फेड करने के साथ साथ आपके ओवरऑल आपकी स्किन टोन को लाइटन कर देता है बेसिकली आपको गोरा बना देता है चार पाँच शेड्स तक आपको वाइट बना देता है तो क्या ये सच है जानने के लिए आप ये वीडियो देखते रहो क्योंकि मेरे पास इसका आंसर है ऑल्सो दूसरी तरफ ग्लूटेथाइन को लेकर बहुत सारे मिथ्स भी है कि ग्लूटेथाइन यूज़ करने से आपको लिवर डिजीज हो जाएगा कैंसर होगा ग्लूटेथाइन सेफ है या नहीं ये सब लेके बहुत ही सारे कंफ्यूशंस है बट इसका भी ट्रूथ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ग्लूटेथाइन को बहुत ज़्यादा डोज में लेके उसका लिटरली अब्यूज़ करते हैं तो ये सब समझने के लिए आप पहले ये चीज़ समझो कि ग्लूटेथायन है क्या ग्लूटेथाइन एक पावरफुल वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी लिटिल क्वांटिटी में स्मॉल क्वांटिटी में नेचुरली प्रोड्यूस करती है तो लाइक अदर एंटी ग्लूटेथाइन भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्री रेडिक्स फ्रॉम डिजीजेस फ्रॉम एजिंग एट्सट्रा तो कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि जब हम एडिशनली ग्लूटेथाइन लेते हैं तो हमारी स्किन भी इम्प्रूव होती है एंड हमारे ओवरऑल स्किन को लाइटन भी करता है ये टैन एंड पिगमेंटेशंस को भी फेट करता है ग्लूटेथाइन नाउ ग्लूटेथाइन आपको पता होगा तीन वेज में तीन तरीके से आप ले सकते हो फर्स्टली टॉपिकल फॉर्म में इसका मतलब आप ग्लूटेथाइन क्रीम्स या ऑइंटमेंट्स अप्लाई कर सकते हो अपने स्किन के ऊपर इसके ऊपर बहुत ही कम स्टडीज हुए हैं आज तक तो हम डेफिनेटली बता नहीं सकते कि टॉपिकल फॉर्म में ग्लूटेथाइन एक्चुअली काम करेगा या नहीं या फिर कितना काम करता है ये हम बता नहीं सकते और एक प्रॉब्लम है मार्केट में ग्लूटाथाइन क्रीम्स के नाम से ना बहुत सारे एकदम बोगस बीएस प्रोडक्ट्स मिलते हैं ऐसे स्किन लाइटनिंग क्रीम्स बहुत ही डेंजरस भी होते हैं क्योंकि ऐसे क्रीम्स में ना टॉक्सिक वेरी वेरी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे मकरी सो प्लीज़ बी केयरफुल स्किन को लाइटन करने के चक्कर में ऐसे डेंजरस क्रीम्स uh, गलती से भी यूज़ मत कीजिए ग्लूटेथाइन लेने का सेकंड जो तरीका है वो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटेथाइन इंजेक्शंस और आईवी ड्रिप फॉर्म ये जो मेथड है ये बहुत डेंजरस हो सकता है डॉक्टर्स आई फॉर्म में ग्लूटेथाइन देते हैं लिवर डिजीज वाले पेशेंट्स को या फिर कीमोथेरेपी पेशेंट्स को बट अगर आप हेल्दी हो आपको कोई भी डिजीज़ नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ग्लूटेथाइन इंजेक्शंस या ड्रिप लो वो भी जस्ट फॉर स्किन वाइटनिंग सी स्किन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे वेज है बहुत सारे तरीके हैं बट प्लीज़ डोंट मेस विथ योर बॉडी ग्लूटेथाइन इंजेक्शन्स बहुत रिस्की भी होते हैं एंड साथ में बहुत ही एक्सपेंसिव भी होते हैं एंड रिजल्ट अगर आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट दिख भी रहा है तो फिर भी वो पर्मनेंट रिजल्ट नहीं होते हैं आपको एक सर्टेन टाइम बाद, बाद ग्लूटेथाइन इंजेक्शंस या ड्रिप लेते रहना पड़ेगा नहीं तो रिजल्ट गायब सो दीज आर अ फ्यू रीजन्स वाई आई थिंक ग्लूटेथाइन इंजेक्शंस आर नॉट वर्थ दिट थर्ड और एक वे है ग्लूटेथाइन इन औरल फॉर्म मतलब ग्लूटेथाइन पिल्स या फिर टैबलेट्स भी आप ले सकते हो जो मैंने भी लिया है फॉर वन मंथ एंड उसका रिजल्ट मैं आपको बताऊंगी रुको ज़रा सब्र करो तो कुछ स्टडीज़ है जिनमें दिखाया गया है कि ग्लुटेथाइन पिल्स एंड टैबलेट्स डू वर्क स्टडीज़ में स्किन पिगमेंटेशंस को भी फेट किया है एंड ओवरऑल स्किन टोन भी लाइटर हुआ है एंड ग्लूटेथाइन पिल्स एंड टैबलेट्स को सेफ भी माना जाता है अगर आप ओवर uh, डोजेज ना लो तो जनरली फ़ाइव हंड्रेड एम जी ऑफ ग्लूटेथाइन पर डे इज़ कंसिडर्ड सेफ़ तो मैंने लिया है फॉर वन मंथ एंड मैंने लिया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्योंकि ताकि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर पाऊँ एंड आपको गाइड कर पाऊँ एंड ऑल्सो ग्लूटेथाइन इज एन अमेजिंग एंटी ऑक्सीडेंट जो कि बॉडी के लिए अच्छा होता है सो आई डिसाइडेड टू ट्राई इट तो मैंने डेली मॉर्निंग में खाली पेट लिया है ये ग्लूटोडर्म टैबलेट्स फॉर वन मंथ एंड इन माय एक्सपीरियंस इट हैज़ डन नथिंग टू माय स्किन नो चेंज इन माय स्किन एट ऑल नाउ अभी हो सकता है कि अगर मैं थोड़ा और टाइम के लिए लेती से टू तो थ्री मंथ्स के लिए लेती तो हो सकता है मे बी आई कुड सी सम चेंज इन माई स्किन टोन बेसिकली मेरे स्किन पिगमेंटेशंस तो नहीं है तो आई एक्सपेक्टेड एटलीस्ट सम स्किन लाइटनिंग रिजल्ट बट नथिंग नो रिजल्ट तो यही बात है ग्लूटेथाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च तो नहीं है बहुत ही कम स्टडीज हुए हैं और आपको समझना ज़रूरी है कि ये सबके लिए काम भी नहीं करता है दस में से तीन चार लोग होते हैं जिनको अच्छा रिजल्ट मिलता है ग्लूटेथाइन पिल्स या टैबलेट्स से एंड वो भी थोड़ा बहुत स्किन इम्प्रूव होती है बस थोड़ा बहुत स्किन टोन इवन आउट करता है बस उससे ज्यादा नहीं हाँ तीन चार शेड सफेद नहीं बना देता है ग्लूटेथायन जो लोग ऐसा बोल रहे हैं आप समझ जाओ वो झूठ बोल रहे हैं ग्लूटेथायन कोई मैजिक नहीं है नाउ शुड यू ट्राई इट हाँ इसके एंटी बेनिफिट्स के लिए तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो बट इंजेक्शन्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं हाँ पिल्स की बात कर रही हूँ पिल्स या टैबलेट्स की अगर आपको स्किन पिगमेंटेशंस है तो हो सकता है ग्लूटेथाइन आपके लिए काम कर जाए या फिर आपके स्किन टोन को भी थोड़ा बहुत इवन आउट कर दे और ऐसा भी हो सकता है कि ग्लूटेथाइन आपके लिए बिल्कुल भी काम ना करे क्योंकि अगेन रिमेंबर सबके लिए काम नहीं करता है तो यूज़ करना है या नहीं अभी आपके ऊपर है मैंने सारे इन्फॉर्मेशंस आपको दे दिया है बट द फाइनल डिसीजन शुड बी योर्स सर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव एट ऑलरेडी सी यू सुन विद माई वेरी नेक्स्ट वीडियो फॉर नाउ बाय बाय टेक केयर लव यू